हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश मैनेजर मुनगश्मी उधमपुर से जय माता दी होम पावर गार्डनिंग में आपका वेलकम करता हूँ। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप नए नए प्लांट्स, नए नए फ्लावर्स, नए नए पॉट्स लगा रहे होंगे, अपना टेरेस गार्डन खूब अच्छी तरह से सजा रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको, आप देख रहे होंगे, कुछ मैं सीड्स की ही बात करने के लिए जा रहा हूँ। धूप कुछ तेज पड़ रही है, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा। हाँ फ्रेंड्स, ये 10 o'clock प्लांट है, इसको 4 o'clock भी कहा जाता है, 10 o'clock भी कहा जाता है, मैंने सर्च किया तो फ्रेंड्स ये वही प्लांट है। तो ये येलो कलर का मेरे घर में लगा हुआ था, तो खूब अच्छी तरह से ये फैला हुआ है। देखिए इसकी जो यहाँ से ये पूरा कितना लंबा, एक पॉट में लगा हुआ, मैंने एक वीडियो अपलोड की भी थी, आज मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसके सीड्स कलेक्ट करने की बात बताऊंगा कि इसके सीड्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका जब ये फ्लावर लग जाए, इस तरह से इसका फ्लावर होता है, उसके बाद ये सूख जाती है तो पीछे से ऐसा कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाता है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसा। और इसके भी बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से ब्लैक ब्लैक। तो ये ही जो ब्लैक कलर का जो लगा होता है, काले मिर्च की तरह होगा ये, इसको आपने देखिए कुछ इस तरह से होगा, इसको आपने कलेक्ट करके रखना है, और जब इसकी सीजन की बारी आएगी तो इसको लगा देना है। आप एक बात ध्यान में रखें कि जो भी बीज आप कलेक्ट करें, किसी का भी बीज हो, उसको तेज धूप, दो तेज धूप लगाना जरूरी है, 2 दिन की तेज धूप उसको लगाना जरूरी है। उसके बाद आप ड्राई पॉलिथीन में, ड्राई सीड्स का बैग आता है उसमें, किसी ने भी इसको कलेक्ट करके रख सकते हैं, और अगली बार आपके बीज करके ही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बाजार से इतने महंगे बीज लाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में ही इसको कलेक्ट कर लीजिए। देखिए मेरे घर में कितने सारे लगे हुए हैं, तो ये फ्रेंड्स मैं सारे कलेक्ट करके रख दूंगा और अगली बार इसको ही लगा दूंगा। देखिए कुछ इस तरह से इसका फ्लावर, येलो कलर का, इसमें मजेंटा कलर भी होता है, येलो भी होता है, पिंक भी होता है, डबल शेड भी होता है, बट मैं येलो ही लगाया हुआ है इस बार। अगली बार मैं और कलर लगाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये प्लांट कैसे लगता है, इसकी केयर की, तो वो भी मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, आप वो भी वीडियो देख सकते हो मेरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मैं आकाश मैं जम्मू कश्मीर से जय माता दी होम पॉड गार्डनिंग में एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर रहूंगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।